और फिर अभ्यास करेंगे, तो इससे इस ये भी गलती हो गई, या कि फिर बहुत आगे हाथ आगे रख लेंगे ऐसे और फिर ऐसे अभ्यास करेंगे, ये भी गलती ना करें, या कि फिर ऐसे झुक जाएंगे ऐसे अभ्यास करेंगे, तो ये सारी गलतियां ना करें। दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से करते हैं मार्जरी आसन और बिटिल आसन का अभ्यास। इंग्लिश में आप सभी इसे कैट एंड काउ स्ट्रेच के नाम से बहुत कॉमनली जानते हैं। इस आसन को मैं आज आपको चार तरीके से बताऊंगी, खड़े होकर, कुर्सी में बैठकर, योगा मैट पर फर्श में बैठकर और उसके बाद अपने घुटनों के बल। तो चार तरीके से सही बॉडी पॉस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए और साथ ही ब्रीदिंग पैटर्न, जो सही ब्रीदिंग पैटर्न है उसका भी आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये एकमात्र स्ट्रेच अच्छी तरीके से सीख जाते हैं ना, तो आपको इससे बहुत से लाभ मिलेंगे और वो लाभ कौन कौन से हैं ज़रा जान लीजिए। अगर आप इसका अभ्यास करते रहते हैं तो ज़िंदगी भर आपको कभी भी बैक पेन की समस्या नहीं होगी। मैं क्यों? क्योंकि इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्टीब्राज हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से लाइक फ्लेक्सिबल होते हैं, तो कभी भी आपको सर्वाइकल पेन, आपको लंबर रीजन में पेन, टेल बोन में पेन, साइटिका पेन ये तो नहीं होता। साथ ही पूरी जिंदगी आप एक यंग की तरह अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर को एक ढांचा देती है, स्ट्रक्चर देती है जो मदद करती है उठने बैठने दौड़ने भागने में। और अगर यही स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्वस्थ नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो जैसे जैसे उम्र थोड़ी आगे चलती जाती है, आप लाइक बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड झुक जाती है या उठने बैठने में बड़ी दिक्कत और तकलीफें होती है। और अगर मैं बुढ़ापे की बात ना करूँ, आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो उनका बॉडी पॉस्चर इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, स्पाइनल कॉर्ड में इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसके कारण बहुत ही यंग एज में हम आज बैक पेन के शिकार हो जाते हैं। तो पहला, बैक पेन आपको कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल होगी, आपको कभी भी गर्दन का जो दर्द है, गर्दन की अकड़न जकड़न नहीं होगी, आपको शोल्डर का जो पेन है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, शोल्डर्स में अकड़न जकड़न नहीं होगी, साथ ही आपकी पूरी की पूरी एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिवेट करता है, एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत करता है और सारे आंतरिक अंगों को अच्छी मसाज देता है, डाइजेशन इम्प्रूव करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही इसका अभ्यास करते रहने से आपके जननांगों को भी हल्की मसाज मिलती है, इसीलिए ये जननांगों की अच्छी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गर्दन, कंधे, स्पाइनल कॉर्ड, पूरी की पूरी आपके एब्डोमिनल मसल्स और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साथ ही जिनको ब्रीदिंग रिलेटेड समस्याएं हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास करते रहने से आपके हार्ट वेंटिलेट, हार्ट की मसल्स जो है वो वेंटिलेट होती हैं, आपके लंग्स वेंटिलेट होते हैं, पूरी रिब केजेस में बहुत अच्छा एक्सपेंशन होता है, आपकी चेस्ट मसल्स बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच होती हैं इस अभ्यास से, पीछे शोल्डर ब्लेड भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच होते हैं। तो ये अभ्यास आज मैं आपको स्टेप बाई स्टेप अलग अलग तरीके से बताऊँगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। साथ ही मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी इजी प्रैक्टिसेस मैं बताऊंगी कि आप इसको दिन में कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, ये लाभ तो हमने जान लिए, लेकिन अभी यहाँ पे सावधानियाँ भी बता दूँ। सावधानियाँ ये हैं कि अगर आपको कोई स्पाइनल इंजरी अभी रीसेंट हुई है या कोई सर्जरी हुई है तो आप इस अभ्यास को ना करें। अगर आपको कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या नेक से रिलेटेड अभी कोई कंडीशन चल रही है तो उस केस में अभ्यास ना करें। तो है ना आप सभी एक्साइटेड ये सारी प्रैक्टिसेस जानने के लिए? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आइए टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के लिए एक मेजरमेंट कीजिए,
ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी थ्रू आउट द प्रैक्टिस, दोनों पाम को आपने ऐसे थाइस के ऊपर रख लिया। अब धीरे से दोनों पाम्स को आपने ऐसे मैट पर रखा और दोनों घुटनों के बीच में आपने कमर जितना फासला किया। अगर आपके घुटने में दर्द है तो ये प्रैक्टिस ना करें इस तरीके से घुटने पे खड़े होके, या कि फिर अगर करें तो घुटनों के नीचे कुशन रख लें, अदरवाइज थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि आगे मैं आपको और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस बता रही हूँ जिसमें घुटने का बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होगा। दोनों पाम्स को जब आप ऐसे रखें तो ध्यान दें कि आपकी कलाई, आपकी कुहनी, आपका कंधा यानी आपकी रिस्ट, आपकी एल्बो और आपका शोल्डर एक लाइन में है और ऐसे सामने देख रहे हैं, और आपकी हिप और आपका घुटना एक लाइन में है ऐसे, यानी बहुत ही आगे ऐसे ऐसे ना हो जाइएगा, या बहुत ही हाथ, बहुत से लोग गलती करते हैं पास रख लेते हैं ऐसे, नहीं, एकदम जो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट है उसको सीधी रखिए। अगर दोनों पैरों के बीच में आपने अपने कमर जितना फासला कर रखा है, घुटनों जितना फासला कर रहा है, सामने देखें। अब पोजीशन तो सही हो गई बॉडी की, अब धीरे धीरे सांस लें और छत की तरफ देखें। इस वाले स्ट्रेच को आप कहेंगे काउ स्ट्रेच या बिटिलासन। अब सांस छोड़ते हुए अपनी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे गोल गोल कर दें धनुष के जैसे और अपनी नाभि की तरफ देखें। इसको कहते हैं मार्जरी आसन या कैट स्ट्रेच, पिल्ली स्ट्रेच। सांस लेते हुए आपने देखा होगा कि गाय की स्पाइनल कॉर्ड कैसे हल्की सी ऐसे अंदर की तरफ बेंड होती है, और सांस छोड़ते हुए जब बिल्लियां गुर्राती हैं या स्ट्रेच करती हैं तो कैसे अपनी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे उठा लेती हैं, गोल गोल कर देती हैं। जब सांस लें तो अपने पेट को पूरा ढीला छोड़ दें और पूरा छत की तरफ देखें, ऐसे पूरा आर्च हो जाए, और सांस जब छोड़ें तो अपने पेट को अंदर की तरफ, नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ खींचे और अपनी नाभि की तरफ देखें। जब सांस ले पेट को ढीला छोड़े तो सारे आंतरिक अंग ढीले हो गए, पूरे पेट पर भी खिंचाव आए, जननांगों तक खिंचाव जाए, और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देख रहे हैं और हल्का सा अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, ऐसे पेट पर दबाव बना लिया है, इससे सारे आंतरिक अंगों को मसाज मिलेगी। जब आप पेट का इन्वॉल्वमेंट रख के इस अभ्यास को करते हैं, पूरा पेट छोड़ दिया ढीला और पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, इससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और सारे आंतरिक अंगों को गहरी मसाज मिलेगी। ऐसे सांस जब लेंगे तो पूरे शोल्डर ब्लेड को भी ढीला छोड़े, एक एक वर्टिब्रा को ढीला छोड़े, पेट को ढीला छोड़े, छत की तरफ देखें, और सांस छोड़ते हुए पूरी शोल्डर ब्लेड को ऐसे ऊपर की तरफ खींचे, स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर की तरफ खींचे, टेल बोन तक पूरी खींच जाए ऐसे, और फिर रिलैक्स करें। इसका अभ्यास 3 सेट कर लें, 3 सेट, और 1 सेट में कम से कम जो नंबर ऑफ रिपीटेशन आप रखें 10 या 15 स्ट्रेचेस का रखें। सांसों का विशेष ध्यान रखें कि सांस लें तो छत की तरफ देखें और सांस छोड़ें तो अपनी नाभि की तरफ देखें। अब इसका अभ्यास करते वक्त गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका अभ्यास करें, और ये सारी जो भी मैं मिस्टेक्स बता रही हूँ ये लाइव क्लासेस में जो मैं स्टूडेंट्स को करेक्शन करवाती हूँ उसमें ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो जब गलतियाँ होती हैं तो लोग ऐसे झटका देके अभ्यास करें, ऐसे 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 झटका ना दें, धीरे धीरे जितना हो सके जेंटली और सॉफ्ट, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपकी है, आपके पड़ोसी की तो है नहीं कि ऐसे झटका देके अभ्यास, बहुत धीरे धीरे अभ्यास करें। दूसरा, हाथ को बहुत करीब रख लेंगे, ऐसे घुटने के पास रख लेंगे और फिर अभ्यास करेंगे, तो इससे ये भी गलती हो गई, या कि फिर बहुत आगे हाथ आगे रख लेंगे ऐसे और फिर ऐसे अभ्यास करेंगे, ये भी गलती ना करें, या कि फिर ऐसे झुक जाएंगे ऐसे अभ्यास करेंगे, तो ये सारी गलतियां ना करें, अलाइनमेंट सही रखें बॉडी की और फिर अभ्यास करें। अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसे घुटने के बल खड़े होकर ज़्यादा देर तक अभ्यास कर पाएं, तो मैंने इसी पॉस्चर को मॉडिफाई किया है कि कैसे आप कुर्सी पर बैठ के या सुखासन में बैठ के या खड़े होके इसी आसन का अभ्यास कर सकते हैं, तो उन सारी प्रैक्टिसेस को भी देखिए और ज़रूर अभ्यास कीजिए।
दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। ये जूम योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे होती हैं और ये पेड क्लासेस है। इन क्लासेस के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप या तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लें, अगर वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते तो ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, मेरी टीम के द्वारा आपको क्लासेस के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनको या तो ग्रुप क्लासेस करवाती हूँ जिसमें कि बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस, जो कॉमन हेल्थ कंडीशंस है जैसे कि आपके लाइक थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इस तरीके की समस्याओं में हम मिलकर काम करते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो आप मेरे साथ वन ऑन वन योगा क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जूम क्लासेस 7 बजे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहते हैं किसी भी वक्त आप अभ्यास करना अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो आप मेरे द्वारा जो योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज का जो फी है बहुत नॉमिनल है, इसकी भी डिटेल आपको या तो मेरी इस वेबसाइट पर आपको जाने से मिल जाएगी, या तो फिर अगर आप वेबसाइट में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक व्हाट्सएप कर दें ताकि मेरे टीम के द्वारा आपको गाइड कर दिया जाए कि किस तरीके से आप ये रिकॉर्डेड सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। इन रिकॉर्डेड सेशंस की सबसे खास बात ये है कि ये जो सीक्वेंस मैंने डिजाइन किया है इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिजाइन किया है, और साथ ही ये वीडियोस आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल तक की है, यानी एक बार आप जब पेमेंट कर देते हैं तो आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। तो अभी जाके चेक कीजिए, मेरी वेबसाइट भी विजिट करिए और व्हाट्सएप भी कर दीजिए। अब सिखाती हूँ आपको बैठ कर कैसे करेंगे आप कैट एंड काउ स्ट्रेच, सांसों का ध्यान रख के पूरी बॉडी की अलाइनमेंट का ध्यान रख के। दोनों पाम्स को आपने अपनी दोनों हथेलियों को अपने जांघ के ऊपर, थाई के ऊपर रख लिया, सामने देख रहे हैं। गहरी लंबी सांस ली और चेस्ट को बाहर की तरफ पुश कीजिए, एल्बो को अंदर की तरफ लाइए और छत की तरफ देखिए, महसूस कीजिए चेस्ट कितनी अच्छी तरीके से एक्सपेंडेड है, गर्दन पर भी ऑपोजिट स्ट्रेच मिला और साथ ही शोल्डर्स पर भी खिंचाव आया। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड बनाएं और ऐसे ऐसे पाम को स्लाइड करके एल्बो को यानी कुहनियों को सीधा करके अपनी नाभि की तरफ देखें। सांस लें धीरे से, फिर से अपने चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें, एल्बो को अंदर की तरफ और छत की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए जितनी आपकी क्षमता है उतना आप अभ्यास करना, स्ट्रेच करना, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे गोल गोल बना दें और नाभि की तरफ देखें, ऐसे जितना हो सके सांस लें, ऐसे बाहर की तरफ खींचते हुए छत की तरफ देखें, ऐसे काउ स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें, ऐसे कैट स्ट्रेच, जब बिल्लियां स्ट्रेच करती हैं कैसे अपनी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे उठा लेती हैं, घुर्राती हैं, ऐसे सांस लेते हुए छत की तरफ देख रहे हैं। इसको भी आप कम से कम 10 से 15 बार कर लें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें, ऐसे। बस आप जान लें गलती क्या नहीं करनी है। गलती क्या क्या करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट जो मैंने क्लासेस में देखा है, सांस लेंगे ऐसे, हाथ को मूव नहीं करते हाथ, सांस लेंगे छाती छत की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ेंगे नाभि की तरफ देखेंगे, ऐसे सिर्फ ऐसे। तो इससे क्या हुआ कि शोल्डर पर जो खिंचाव मिल रहा था चेस्ट को बाहर करने से, छाती को बाहर करने से, अपने एल्बो को पीछे करने से, ये चीज़ नहीं मिल पाती। तो गलती नंबर वन, सिर्फ छाती मूव ना करें ऐसे, पाम भी मूव करें ऐसे ऐसे, और बहुत जल्दी जल्दी इसका अभ्यास करते हैं, बहुत फास्ट करेंगे, ऐसे 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 झटका देखें तो गर्दन पर भी टेंशन आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पे भी टेंशन आ जाती है और सांसों का तो कुछ पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों गलतियां भी बैठकर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ये बिल्कुल भी ना करें।
अब आइए बताती हूँ किस तरीके से आप कुर्सी में बैठे बैठे इसी सेम प्रैक्टिस को करेंगे। तो आराम से जब कुर्सी पे बैठे, चाहे आप ऑफिस में हो तब अभ्यास कर लें। अगर आपके घुटने में सीवियर दर्द है तो आप इस तरीके से आराम से कुर्सी पे बैठे। हमेशा ध्यान रखें आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका गर्दन और आपका सर तीनों एक लाइन में हो। ऐसे ना तो झुकाव हो और ना ही ऐसे पूरा का पूरा तनाव हो। दोनों पाम्स को आपने अपने थाई के ऊपर ऐसे रख लिया, घुटने के पास थाई के ऊपर। गहरी लंबी सांस लेंगे, ऐसे पहले सामने देखें, सांस लेते हुए धीरे से अपने एल्बोज को ऐसे पुश करेंगे पीछे की तरफ, जिससे चेस्ट जो है आउट हो जाए और गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ देंगे और छत की तरफ देखेंगे। ऐसे सांस छोड़ते हुए अपनी अपना ध्यान अपनी नेवल रीजन पर रखेंगे, नाभि पर रखेंगे और अपनी नाभि की तरफ ऐसे देखेंगे, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे राउंडेड कर देंगे। ऐसे गहरी लंबी सांस लें, इसका अभ्यास कम से कम आप 10 से 15 बार कर लें। ऐसे सांस लिया और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पेट को हल्का सा, पेट की जो मांसपेशियां हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ खींचिएगा और अपनी नजरें जो है नाभि की तरफ लेके जाइए। ऐसे गहरी लंबी सांस लीजिए, फिर से छाती को बाहर की तरफ पुश कीजिए और छत की तरफ देखिए, एल्बो पीछे जाए और फिर धीरे से अपने पाम को ऐसे स्लाइड करें अपनी जांग पर, थाई पर और अपनी नेवल रीजन की तरफ ऐसे देखें। तो ये तो हो गया अभ्यास कि कैसे आप कुर्सी पे बैठ के करेंगे बिटिल्य आसन और मार्जरी आसन का अभ्यास। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि आपको क्या नहीं करना है। बहुत से लोग बहुत जोर जोर से अभ्यास करेंगे, ऐसे 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 सांस लेंगे, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना लाभ तो छोड़िए और भी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये अभ्यास बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए आगे आइए बताती हूँ कैसे करेंगे आप खड़े होके कैट एंड काउ स्ट्रेच का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में आपने अपनी कमर जितना फासला कर लिया है, अब धीरे से अपने नी को, घुटने को बेंड करें, बहुत ज्यादा इतना ना बेंड कर लें, हल्का सा बेंड करें स्लाइटली, ठीक है, जिससे लॉक भी ना हो और बहुत लूजन भी ना हो, हल्का सा सेंटर पे। बोथ योर पाम्स टू द थाई एंड सामने देखें, सामने देखते हुए धीरे से अपने पाम को स्लाइड करें अपनी थाई के ऊपर, एल्बो गोज बैक, चेस्ट गोज आउट, लुक अप टुवर्ड द सीलिंग। सांस छोड़ते हुए दोनों पाम्स को ऐसे थाइस पर ऐसे स्लाइड करें और अपनी नेवल रीजन की तरफ ऐसे देखें, बहुत ज़्यादा ऐसे ना झुक जाएं, झुकना नहीं है, पूरी बॉडी को ऐसे रहने दें, काम स्पाइनल कॉर्ड पर हो रहा है। सांस ले, पेट को पूरा ढीला छोड़ें, छत की तरफ देखें, सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें, ऐसे सांस ले, छत की तरफ देखें, सांस छोड़े अपनी नाभि की तरफ देखें। तो अब बहुत से लोगों के लिए तो आसान है कि हल्का सा घुटना ऐसा बेंड कर ले, लेकिन अगर घुटना बेंड ना हो पाए तो आप दोनों पैरों को ऐसे सीधा करके भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा रखा, कोई घुटना मोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों पाम्स को ऐसे रखा थाई के ऊपर, गहरी लंबी सांस ली, रोल योर शोल्डर्स बैक, ओपन योर चेस्ट, चेस्ट गोज आउट और एल्बोज गोज बैक, ऐसे छत की तरफ देखे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी नाभि की तरफ देखें, ऐसे सांस ले, छत की तरफ देखें और सांस छोड़ें अपनी नाभि की तरफ देखें। जब आपका घुटना स्लाइटली बेंड होता है तो ऐसे स्पाइन राउंड करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों के घुटने में दर्द होगा। तो ऐसे सीधा होके भी अभ्यास करें, सांस लें, छत की तरफ देखें, रोल योर शोल्डर्स बैक, चेस्ट गोज आउट, एल्बोज गोज बैक, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचें, जिससे कि हल्का सा दबाव पड़े आपकी एब्डोमिनल मसल्स पर, ऐसे सांस लें, छत की तरफ, सांस छोड़ें, स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड बना के अपनी नाभि की तरफ देखें, नाभि ना दिख पाए कोई बात नहीं, आपकी कोशिश वैसी होनी चाहिए, सांस लें पूरी स्पाइनल कॉर्ड को छत की तरफ और सांस छोड़ते हुए ऐसे। अब गलती क्या नहीं करनी है ये देखिए, ऐसे बहुत झटका देखिए, प्रैक्टिस ना करें, ऐसे 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 ऐसे, या कि फिर
जब सामने की तरफ झुके, सांस ले छत की तरफ देखे और सांस छोड़ते हुए ऐसे ना झुके, ऐसे कमर यानी निचला हिस्सा यहाँ से ना झुके, पर ऐसे बहुत से लोग ऐसे करेंगे, सांस लेंगे सांस छोड़ देंगे, सांस लेंगे सांस छोड़ देंगे। तो ये अभ्यास बिल्कुल ना करें, इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें, सांस लें। तो देखा आपने कितना आसान था ना इन आसनों का अभ्यास करना, स्टेप बाय स्टेप, खड़े होके और कुर्सी में बैठ के और योगा मैट पे बैठ के और अपने टेबल टॉप पोजीशन पे आके। आई एम श्योर हर एक स्टेप आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। जाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, बेझिझक एकदम बेफिक्र होके नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं बनाऊँ। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के। तो नीचे जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए और अगर मेरा प्रयास पसंद आया है और आपने वीडियो अभी अंत तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो से उन्हें लाभ मिल सके। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी बहुत 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 ध्यान रखें। नमस्ते।